हाँ तो भाई चलिए आ जाइए, अपने अपने बंदियों को लेके आ जाइए और सबके मोबाइल में एक ही वीडियो चलना चाहिए, सिर्फ हाइपर गुंडा का। चलिए फिर अब देखते हैं, ये लोग फाइट करे या कुछ भी करे भाई, अपने को क्या, अपने को सिर्फ लूटने से मतलब है, लूट के नीचे कूद जाने का, ज्यादा टेंशन नहीं लेते, नीचे सामने इसलिए बंदा लेते कभी भी, और रिव्यू करने काम में आएगा अपने। अरे आप एक बंदा भाई, अच्छा हुआ ये बोट था वरना अपनी पेटी बना सकता था ये। फिर अपन मत इधर आराम से लूटते हैं, लेकिन ये सारों के लोग यार इधर घूमते, इसके इसके गुब्बारे में सुई मारता हूँ और इसको नीचे लाता हूँ, फिर लूटने भाग जाता हूँ। फिर यहाँ पे एक बंदा आ जाता है सामने, मैं पहले तो सबको बुलाता हूँ फिर इससे फाइट लेता हूँ भाई, क्या पता अपने को उड़ा दे हवे में। फिर हम यहाँ लूटते ही रहते हैं, उतने में आइलैंड वाले बोलते हैं निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, मतलब भाई ये दीपू और गीगा के साथ रह के मेरी भी इज्जत नहीं रही अब। फिर यहाँ पे सामने बंदे, फिर ऐसे सिचुएशन में आपको घबराना नहीं है, सबसे पहले तो लूटो, गाड़ी वाड़ी फट जाए कोई टेंशन नहीं, आप पहले लूट लो आराम से। फिर यहाँ पे भी एक होता है, उसको भी दे देते हैं अपन, फिर मस्त लूट के इधर भी सामने बंदा होता है, देखो देखा। अरे तुम्हारा भाई को कौन नूब बोला था बे, कौन था वो, हाइपर सतीश। अबे हाइपर सतीश सुन, तेरे को ओपन चैलेंज है, आजा 1v1 आजा 4v4, अब देखो तुम्हारे भाई के टिप्स एंड ट्रिक्स, देखो बंदे को कैसे फंसाया। देखा, अरे तुम्हारा भाई सब पंगा नहीं लेने का रे। हाँ तो हाइपर सतीश 1v1 आ जा, 4v4 आ जा, तेरे को जैसे आना है वैसे आ जा, 1v4 भी आएगा तो भी चलेगा, मेरे को हम 4 रहेंगे तू 1 रहेगा, समझा ना। चल अब देख आगे वाली फाइट, राज राज उठा ना एक बार। और हाँ भाई मैं ऐसे नूबड़ों के साथ खेल रहा था, बस मैं रिव्यू भी करते रह गया यहाँ पे यार, मतलब मेरा इतना सारा सामान लूटा हुआ सब इनके चक्कर में इधर चला गया यार, देखो ना मैं सिर्फ, मेरा सारा सामान खाली हो रहा है, मेरा स्मोक, मेरे शील्ड, मतलब मेरे को यार सब मेरा सामान बचाने का था, लेकिन इनके चक्कर में सब गए। देखो मेरी अभी हेल्थ भी कम हुई, हेल्थ भी की मैंने, फिर ये स्मोक, अभी फिर से शील्ड, मतलब इनको सब यार, इनके चक्कर में मेरा सब सामान बर्बाद हो रहा है। फिर भाई चारों जोन में मैंने गिगा को उठाया, मतलब सलामी तो बनती है मेरे लिए, लेकिन अब देखो इनके साथ क्या हुआ, एसआर के वहीं पे छूट गया, गिगा को बंदों ने उतार दिया, लेकिन तुम्हारा भाई तो अश्वत्थामा का छोटा भाई था, इसलिए वहां से निकल जाता है, और अपन अमर है, अपने को कोई मार नहीं सकता है भाई, अपन अमर है, ठीक है। अरे बाप, हेलो भाई आवाज आ रही है क्या, हेलो हेलो भाई, ये बंदे से गलती हो गई है, उसको पता नहीं था अपन था, इसलिए अपन फिर से दूसरी मैच लगाते हैं, और ये वही बंदा था जिसको मैंने अभी मार रहा हूँ, ये इसको मैंने यहाँ पे सजा दे दी है, उसने मेरे को मारा था, इसलिए आप अगर आपको कंफर्म नहीं होगा तो आप वीडियो मतलब पीछे करके नहीं देख सकते हो, क्योंकि वो वही बंदा था, मेरे पे यकीन करो। फिर सामने एक भाई रहते है, उनको पेलते है, उनसे M4 उठाते अपन अभी जाके, फिर अभी देखो आगे का गेम प्ले। फिर यहाँ पे पहाड़ी पे बंदे होते हैं, तो अपने यहाँ पे उतर के एक पक्की मोस्ट लेते हैं आराम से, फिर अभी रश कर देता हूँ सीधा, क्योंकि तुम्हारा भाई किसी से डरता नहीं है, अकेला ही सब बंदों में भारी है, वो देखो वो एक सोया है, और मेरा कार 98 का मिशन था, इसलिए मैंने M4 भी फेंक दी, स्कारेल उठा ली थी क्योंकि स्कारेल का भी मिशन था, लेकिन ये बंदा तो Level 3 पहना था तो मरता नहीं है, फिर स्कारेल से ही मारना पड़ता है। और गीगा फुल टू मोड में था मेरा किल चुराने की, लेकिन वो ऊपर से सब देख रहा है, वो सब देखता है भाई, यही पे सबका ये होता था, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, समझ। फिर भाई मुझे इधर कुछ दिखता है, फिर अपन जाते हैं उधर गाड़ी लेके सीधा, पहले तो ट्राई करता हूँ, फिर आ जाते हैं हम लोग इधर सीधा, फिर अपना गीगा मच्छी उड़ी मार के वो अंदर बंदे को ढूंढ लेता है, फिर तुम्हारा भाई को भी थोड़ा बहुत तैरना आता है तो तुम्हारा भाई भी घुस जाता है, उसकी जान बचाने के लिए जाता हूँ मैं, वो डूब रहा होता है, फिर मैं जैसे जैसे उसके नजदीक जाता हूँ वो दूर दूर जाता है, मैं उसको बचाने आया था लेकिन वो मेरी बात समझ ही नहीं रहा था,
मैं वॉल पे भी माइक करके बोल रहा था कि भाई आजा, मैं तेरे को बचा लूंगा, डूबने नहीं दूंगा, मरने नहीं दूंगा, लेकिन भाई साहब समझ ही नहीं रहे थे और मेरे से दूर दूर जा रहे थे। फिर देखे फिर अपने से दूर जाना मतलब मौत को गले लगा। लैग हो गया गेम, लैग हो गया। ये देखो बन गया डिब्बा, खत्म। मर गया हो, मर गया हो। फिर अपन यहाँ से निकल जाते हैं गाड़ी लेके, और अपने पास होती है धूम, पीछे से आती है बग्गी। फिर देखो इसको कैसे फंसाते भाई, मेरी बाइक को भी उड़ा डाला था इसने, लेकिन अपन इसको पेल देते हैं। फिर लास्ट में आ जाते हैं इधर, इधर सामने बंदे होते हैं, मैं इसको आगे जाने देता हूँ, पीछे से कवर देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है आगे गए तो हम पहला जाएंगे, पहले इनको जाने दो। और ये अपना बहुत अच्छा कवर था, और तुमको पता है ना अपने को कोई मार ही नहीं सकता है भाई, ऐसा कभी हो ही नहीं। हेलो, अरे यार मेरा पिंग हाई था भाई, 2-3 हज़ार पिंग हो गया था, इसलिए मैं नॉक हुआ, वरना तुमको तो पता है मैं कभी नॉक होता ही नहीं हूँ। फिर हम लोग नोआ वाले ब्रिज पे आ जाते हैं, ब्रिज पे मतलब वो क्या बोलते हैं यार, और राखेल का घर होता है ना उधर। फिर मेरे को साला लेफ्ट से कोई मार देता है यार, पता नहीं यार, मैं मतलब इतना अच्छा खेलता हूँ ना, ये बंदे मेरी स्ट्रीम स्ट्राइप कर रहे थे भाई, मैं स्ट्रीम कर रहा था लेकिन वो लाइव नहीं आया, पता नहीं कुछ ग्लिच था, इसलिए वो बंदा मेरे को स्ट्रीम स्नाइप करके मार देता है भाई। और अभी यहाँ पे हमारे दीपू भाई भी मतलब शहीद हो चुके हैं, उनको पेल दिया है बंदों ने। अभी सामने दो बंदे बचे हैं, और वो दो बंदे इतने खतरनाक है कि शाहरुख को भी पानी पिला दिया उन्होंने, और गीगा को। अभी देखो मैं ग्रेनेड गोली करता हूँ, क्योंकि मेरी भी फटके 8 हो जाती है। गीगा पहले जाता है तो मैं भी फॉर्म में निकल जाता हूँ बाहर, उसको खत्म मतलब नॉक कर देते हम लोग। और भाई मैं यही से मोली ग्रेनेड जो हो सकता है वो करता हूँ, क्योंकि आगे जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि बंदा बहुत खतरनाक खेल रहा था भाई। और अभी देखो फिर और एक ग्रेनेड खींचा, अरे भाई उसने भी ग्रेनेड डाल दिया यार, क्या करे भाई यार, ये बंदे मर जाते तो बहुत अच्छा रहता। भाई स्प्रे देख रहे हो, तुम्हारा भाई का कोई मार सकता है क्या ऐसा स्प्रे? ओ स्काउट को भी अपन ने ही सिखाया था M4+6X। यार गीगा नॉक, फिर मैं यार एक ग्रेनेड क्यों खींचता हूँ पता नहीं, उसके चक्कर में शाहरुख खत्म हो जाता है। चलो अच्छा हुआ शाहरुख खत्म हुआ तो अपने को ग्रेनेड मोली मिली, मतलब होते रहता है यार। वो उसने मेरे लिए जान दे दी शाहरुख ने, ऐसा समझ। यहाँ पे वो गीगा को भी फिनिश कर देता है, और भाई मेरी फटके 4 नहीं 8, 10, 12, 15, 16 पता नहीं क्या हो जाती है। मैं यही से मोली ग्रेनेड जो होगा वो करता हूँ, रस करता ही नहीं हो, और बंदा भी नहीं करता है क्योंकि उसको पता है सामने हाइपर गुंडा है। फिर अब देखो उस पर कितने ग्रेनेड मोली क्या क्या करता हूँ। ये ले अब देखो 5 ग्रेनेड हो रहे। और भाई ये मेरे स्क्वाड के बंदे खुद तो पहले मर जाते हैं, फिर बाद में मेरे को गेम खेल से खेलना है ये सिखाते हैं। मतलब इन लोगों के मोबाइल में मैंने गेम इंस्टॉल कर दिया है, मैंने बताया कि ऐसे कूदते ऐसे गन उठाते इससे मारते, और अब ये लोग मुझे सिखा रहे हैं। भाई भाई इनको कौन बताएगा कि डायनामो खुद मेरे को पूछता था कि भाई कौन सी गन यूज करे क्या करे, और अब ये लोग मेरे को सिखाते हैं। बोलो बोलो यार क्या करे, अब छोड़ो यार जाने दो, गेम प्ले पे ध्यान देते हैं। फिर देखो भाई अभी मेरे पास तो थे ग्रेनेड खत्म, फिर मैं इस साइड आता हूँ, फिर ग्रेनेड उठाता हूँ, फिर डालता हूँ, क्योंकि तुमको पता है तुम्हारा भाई रस नहीं करने वाला है, क्योंकि सामने वाला बंदा डर गया है, और अगर अपन ने रस किया तो वो ज्यादा डर जाएगा, कहीं मर ना जाए डर से, और अपन उसका किल नहीं ले पाएंगे फिर, इसलिए मैं रस नहीं करता हूँ। इधर से एक ग्रेनेड मोली, सब कुछ यही से कर देता हूँ। फिर उसने भी ग्रेनेड कर दिया, साला कतई हरामी था। मैं उसकी मतलब उसको छोड़ रहा था भाई जानबूझ के कि चलो भाई छोड़ देते हैं बंदा मर जाएगा, लेकिन उसने मेरे पे ग्रेनेड किया था, और अब ग्रेनेड किया था तो अब मैं छोड़ूंगा ही नहीं उसको। अब देखो फिर तुम्हारा भाई कैसे मारेगा उसको, क्या लगता है तुमको वो मारेगा या मैं? कौन बोला पे वो मारेगा ऐसा, कौन था ये? चलाओ गोली, मगर आज तुम पुलिस वाले इन गरीब मजदूरों को रोक नहीं सकते। मेरे टीममेट्स का रिएक्शन देख रहे हो भाई लोग, देख रहे हो इनको, नूप तो पहले मर गए, फिर चलो अच्छा है कोई रिएक्शन तो दिए।
और भाई इसी तरह गेम प्ले देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अब से तुम्हारा भाई सैटरडे संडे लाइव आएगा तो देखना जरूर।